taking trips cuz I never tripped on what they said. If you speaking from your heart and they say welcome guys, to swagat karta hu aaj ki is new exciting video par. आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक पोर्टेबल रिंग लाइट स्टैंड की. इसमें आप अपना सॉफ्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं. इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए इसका प्राइस और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं जिसमें आप अपनी रिंग लाइट को खड़ा करेंगे. ये एक रिंग लाइट स्टैंड है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं. हालाँकि मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया था. थोड़ा सा मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट को पहले चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्टली वो कैसा है, उसके बाद ही मैं आपको उसके अच्छे रिव्यूज़ देता हूँ कि वो प्रोडक्ट वाकई अच्छा है या नहीं है. तो अब जब बॉक्स से निकालेंगे तो कुछ इस तरह की पैकिंग आपको मिल जाएगी. ये कुछ इस तरह का देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह की पैकिंग है इसकी. ये पूरा एक स्टैंड है और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी पन्नी को हटाएँगे. तो आप जब इसकी पन्नी को हटाएंगे तो ये स्टैंड कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसकी क्वालिटी है. इसके ब्रांड का नाम बता दूं, ये शॉपी SP250 इसका मॉडल नंबर है. ये मैंने 675 रुपये का परचेज़ किया है. तो अब इसके बारे में और आपको डिटेल में दिखाते हैं. फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है जो आप जैसा कि ये देख रहे हैं स्क्रीन पर. तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ से इसको ऐसे ओपन करेंगे. ये चीज़ आपको ओपन कर देनी है. जब आप ये चीज़ ओपन कर देते हैं तो ये चीज़ एकदम फ्री हो जाती है, जिसके बाद आप इसको आसानी से ऐसे ओपन कर सकते हैं. आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं. आप इसको अगर खींचेंगे, आप लोग देख लीजिए, आप अगर इसको ऐसे खींचेंगे तो ये एकदम फ्लेक्सिबल है. यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ जाती है. अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि आप इसको और ऊंचा कैसे कर सकते हैं. वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अभी सब कुछ दिखाने वाला हूँ. तो कुछ इस तरह से ओके. तो आप तो ये तो समझ ही गए होंगे कि ये चीज़ कितनी सही है. और आप इसको जहाँ भी फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ को लॉक कर देना है. इस चीज़ को लॉक करने के बाद आपको अब ऊपर साइड का दिखाते हैं. तो ऊपर साइड में क्या है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी. ये जो मैंने नीचे लॉक कर दिया है, अब उसके बाद ये चीज़ है. तो अब इसको ओपन करेंगे, ये चीज़ यहाँ से ऊंची और नीची हो जाएगी, ठीक है. और उसके बाद क्या करना है कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ यहाँ से ऐसे ओपन होती है. तो ये एकदम ऐसे फिक्स हो जाती है इन चीज़ों को बंद करके. यहाँ हमारी रिंग लाइट लगेगी. रिंग लाइट अभी मेरी आउट फॉर डिलीवरी है, अभी आई नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिंग लाइट का भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा. फिलहाल में ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है. मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पास से. आप जब इसको ऐसा करेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है. और फिर आप ऐसे करके पूरा इसको देख सकते हैं. इसके साथ अभी और कुछ नहीं आया है फिलहाल, बस ये यही आया है. तो अभी मैंने आपको यही दिखा दिया है. अब रिंग लाइट आ रही है तो रिंग लाइट की भी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि आपको और कैसे इसमें रिंग लाइट को अटैच करना है. तो आप जब इसको फोल्ड करना हो तो आप इसको क्या करिए, इस वाले पाइप को नीचे को ढकेलिए और ये चीज़ ऐसा करके यहाँ से फोल्ड हो जाएगी. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगी. और ये चीज़ आपको यहाँ से क्या करना है, ये ऐसे बंद कर देना है. और ये भी है जो ये चीज़ है जो यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं. तो आपका जो नाम है और जो ब्रांड है वो शॉपी SP250 है. ये एक पोर्टेबल रिंग लाइट के लिए बनाया गया है. आप इसमें रिंग लाइट, अपनी सॉफ्ट बॉक्स, किसी भी तरह की लाइट को यहाँ पर इसमें अटैच कर सकते हैं. आपको यहाँ पर अपनी लाइट को अटैच करना होता है. जैसा कि मैंने वीडियो में बोला कि मेरी रिंग लाइट अभी पेंडिंग में है, अभी कुछ देर बाद वो मेरे पास आ जाएगी. तो अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर अपनी रिंग लाइट को लगाकर दिखाऊंगा. और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट एल्युमिनियम अलॉय का बना हुआ है. तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रोडक्ट गिरता है तो आपका टूट जाता है.
ये चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, तो शायद इन पे टूटने की थोड़ी सी टेंशन हो। और बाकी आपको क्या है कि ये चीज़ देखिए स्प्रिंग बेस पर है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि अगर ये मतलब गिरता है तो इतनी जल्दी नीचे जाके सीधे अटैक नहीं करेगा जिससे आपका ये टूट जाए। और इसका जो वज़न है वो लगभग 1 किलो 700 ग्राम है, तो ये बताएं बहुत सही प्रोडक्ट है। 675 रुपये में आपको इतना सही स्टैंड नहीं मिलेगा। अगर आप ट्राईपॉड भी ले रहे हैं ना तो वो भी आपको कम से कम 2000 रुपये तक का पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। जैसे कि मैं आपको ये प्रोडक्ट बार बार दिखा रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट बहुत सही है। अभी मैं इसमें रिंग लाइट मेरी आने वाली है उसको अनबॉक्सिंग करूँगा और उसके बारे में भी पूरा डिटेल बताऊँगा। डिजीटेक की मैंने जो रिंग लाइट है वो मंगाई हुई है, तो वेट करिए अगले वीडियो में मैं वो भी दिखाता हूँ। ट्राईपॉड पहले आ गया इसलिए मैंने आपको ट्राईपॉड दिखा दिया, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको चेक कर सकते हैं, लिंक दे दिया है मैंने अमेज़ॉन का, आप वहाँ से देख लीजिए। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए ये अमेज़ॉन का डिब्बा है तो अब मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और बने रहिए हमारे वीडियोज़ को, ऐसे ही लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार देख रहे हैं अनबॉक्सिंग वीडियो तो डेफिनेटली अपने दोस्तों तक शेयर करिए अगर वो ये सब कुछ खरीदने वाले हैं। तो बहुत ही सही प्रोडक्ट है, इस रेंज में मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मैं नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।